निमसेट 2008, जैसा कि आपको पता है कि निमसेट 2008 में शुरू हुआ था। निमसेट एनालिसिस जब भी करते हैं हम लोग तो एक टॉपिक चुनते हैं, एक एग्जाम चुनते हैं और एक ईयर चुनते हैं। तो आज निमसेट टिक्नोमेंट्री टॉपिक लिया है 2008 के। टिक्नोमेंट्री के आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बारी बारी से करेंगे। हर एक वीडियो में 3 या 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस की लेंथ पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चंस 8 या 9 या 10 रहे तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे। आप बने रहिए लास्ट तक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और शुरुआत से आएंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग टिक्नोमेंट्रिक रेशियोज को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल देन इनवर्स, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है रियल में। इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा, ऐसा है भी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 डॉट 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 कॉस अल्फा n, यानी इस एक्सप्रेशन की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है आपके सामने है, बट इस मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए आपको कुछ कंडीशन दी गई है। कहने का मतलब जो एंगल्स लिए गए हैं, ये सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंगल्स है, 0 और π/2 के बीच में, मतलब 0 और π/2 के बीच में कभी भी एंगल दिया जाता है, इसका मतलब होता है एक्यूट एंगल न्यून कोण। तो सारे एंगल्स न्यून कोण है और ये कंडीशन दी गई है, cot अल्फा 1 cot अल्फा 2 cot अल्फा n डॉट 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 cot अल्फा n 1 दिया गया है। इन दोनों कंडीशंस को यूज करके हमें ऊपर वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने है, नेक्स्ट स्टेप तय करेगा कि आंसर क्या है और कैसे आया। पहले रूटीन मेथड देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर बात को समझना है। देखिए जो हमें प्रॉपर्टी दी गई है, आप जानते होंगे कि कॉस थीटा बराबर, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ रिमाइंड करा देते हैं, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। छोटी छोटी बातें ध्यान रखते होंगे। कॉस अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 अपॉन साइन अल्फा 2 और कॉस अल्फा n अपॉन साइन अल्फा बराबर 1 n। यहाँ पर कॉट को सिंपल चेंज कर दिया है और ये वाली देखो इसको इधर ले गए ना, हर एक चीज़ को ध्यान दें। यहाँ पर क्या किया, इसी से हमने कन्वर्ट किया है, ये वाले स्टेप को ऐसे लिखा है। कुछ स्टेप हमने इसलिए लिख दिए कि जिससे कि आपको बताने में पहले से कुछ नॉर्मल स्टेप्स यानी आसान से आप कर सकते हैं, वो वाले हमने करके दिखाए हैं। इसको हमने ए मान लिया, ये ध्यान हर एक बात को ध्यान देते हैं, बस यहाँ पर जो स्टेप करने वाले हैं उस स्टेप को आप बहुत ध्यान दें। क्यों? क्योंकि जब भी हम बच्चों के सामने, मतलब इन फ्रंट ऑफ मी, वो बोर्ड पे मैं जब होता हूँ तो वो भी ये बात को समझ नहीं पाते हैं। इस बात को जो हमने बॉक्स के अंदर किया है उस बात को आप, इस स्टेप को मैं डिस्कस करूँगा तो आप बहुत ध्यान दें। ये बात बहुत सिंपल है कि इधर गया और ये इधर गया, पक्षांतर कहने का साइड चेंज की। आप देखिए कि हमने ए स्क्वायर किया है, ए स्क्वायर किया है, इसका मतलब ये वाला स्क्वायर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिया हर एक टर्म का। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बात कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब क्या है, ए बराबर बी लिखा है तो भाई ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये बात में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक और यहाँ तक बात ओके, आपको भी ओके हो गई। अब देखो बात हम क्या बता रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेप गया ये वाला, ये जो इधर लिखा हुआ है जिसपे अभी हमने मार्कर को हाईलाइट नहीं किया, ये स्टेप बस इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते इन फ्रंट ऑफ मी। हुआ क्या है कि देखो ए बराबर यहाँ पे लिखा है स्मॉल ए और यहाँ पर बी, ऐसे लिखा गया है। तो ए स्क्वायर किया तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए बी स्क्वायर होना चाहिए था ना, अब तो बात हजम हो गई ना, ये ए स्क्वायर हुआ कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर हुआ कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर हुआ कोई दिक्कत नहीं। मगर हमने ये बात ना लिखे, बड़ा स्टेप हो जाने की वजह से ए स्क्वायर और यहाँ पे देखो क्या कर दिया भाई, बी इंटू बी लिख सकते हैं, कोई अभी खता नहीं हुई ना। अब देखो हम अगर हम यहाँ कर दें बी की जगह ए लिख दें, क्या लिख दें, तो ये ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये तो हमने ए स्क्वायर कर दिया तो बात ओके, ये स्क्वायर कर दिया बात ओके स्मॉल स्क्वायर, और ये बात हमने ए बी लिख दी, क्या लिख दी, तो बी स्क्वायर ना लिख के क्या लिख दी। अब कैसे लिखी, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख सकते हो और बी बराबर क्या है, ए है, तो ए बी हो गया कि नहीं, ये बात समझ आएगी नहीं, हो गया ना। हाँ तो देखो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा होना चाहिए तो क्या लिख दिया, कॉस अल्फा, और साइन अल्फा 2 होना चाहिए तो उसके साथ भी क्या, कॉस अल्फा 2। मतलब कहने का मतलब ये किया है कि साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 और साइन अल्फा n इंटू इसके साथ फिर साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 साइन अल्फा n होना चाहिए था, जबकि क्या किया, वही बात है कि b इंटू बी की जगह क्या कर दिया,
बी इंटू ए कर दिया, तो ए क्या है, कॉस अल्फा वन, कॉस अल्फा टू और कॉस अल्फा एन, छोटा सा लिखा है, बट ये यहां समझो, ये समझ गए होगे। अब देखो एक बात, बस सिंपल याद रखो कि टू साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर साइन टू अल्फा होता है, होता कि नहीं होता है। तो बस अब देखो भाई, वन बाई टू यहां रखेंगे, वन बाई टू यहां रखेंगे, वन बाई टू यहां रखेंगे, तो वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, कितने वन बाई टू हुए, जितने अल्फा हैं, अल्फा वन से लेके अल्फा एन, तो वन बाई टू, वन बाई टू किए तो टू भी तो करने पड़ेंगे, तो हमें फार्मूला बनाना है टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो टू किया, टू किया, टू किया, तो कितने बार टू किया, वन बाई टू की पावर एन किया कि नहीं। अब ये देखो हो जाएगा साइन टू अल्फा, ये साइन टू, हाँ साइन एल टू, साइन टू, हाँ साइन टू अल्फा, साइन अल्फा, साइन टू अल्फा टू और साइन टू अल्फा एन, इस थोड़ी जगह कम है बस इस बात को, इसलिए आप पहले बार वीडियो देख चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आ नहीं रहा है, अगर आपको लग भी रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मौका हमें आगे मिलेगा तो हम इसको प्रूव कर देंगे। और यहाँ पे देखो क्या हुआ था, वन अपॉन टू की पावर एन, थोड़ी जगह कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। बात ये ध्यान रखें कि ये हमने टू साइन अल्फा कॉस अल्फा को ऐसे लिख दिया और टू साइन अल्फा कॉस अल्फा को ऐसे लिख दिया, ये सारे ऐसे लिख दिए। अब सिंपल आंसर आपको दिखने लगा होगा भाई, कौन सा दिखा, हाँ ए, ए दिखने लगा, कैसे दिखने लगा भाई, अच्छा अच्छा हाँ हाँ। अब देखो साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में, तो मतलब वन से छोटी होती है, वन रख सकते हैं, तो ये सारी वैल्यूज उसने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वन, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन क्या है, वन, तो ये सब वन वन हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वन अपॉन टू की पावर एन, तो ए बराबर रूट चढ़ जाएगा वन अपॉन टू की पावर एन, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू की पावर एन बाई टू, ए ऑप्शन, ठीक है। ये रूटीन वाला मेथड था, शॉर्टकट अगर होगा तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो भाई देखो कुछ ने कहा था शॉर्टकट शॉर्टकट, एक ने तो बहुत बार बोले कहा शॉर्टकट, भाई भाई प्लीज़ हम आपकी बात सुनते हैं, अभी एक बार लिखो, चलो शॉर्टकट आपके लिए, आपके मन के लिए आज मैं शॉर्टकट डिस्कस कर देता हूँ। देखिए अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन, 45 डिग्री ले लिया हमने, क्या ले लिया 45 डिग्री, 45 डिग्री ले लिया। अब क्यों ले लिया, यहाँ पे देखो रखो कॉस 45, कॉट 45 और टेन 45 की वैल्यू 1 होती पता है, तो यहाँ देखो इस वाली एक्सप्रेशन में ये एंगल सेटिस्फाइड कर रहा है, ओके। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को निकालना है, तो कॉस 45, कॉस 45, कॉस 45 कितने बार हुआ, ये सब एन टाइम्स हो रहा, कितने बार हो रहा भाई, एन टाइम्स, तो हर की वैल्यू क्या है, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, तो वन अपॉन रूट टू की पावर कितना हो गया, एन हो गया, तो वन बाई टू की पावर एन बाई टू होगा, होगा, ये लो ट्रिक। अब जितने लोग ट्रिक मांगे तभी देंगे, अभी बात तो देने वाले थे, अब ट्रिक जब आप बोलोगे ट्रिक दो तभी ट्रिक देंगे। 2008 का जो सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं ये भी बहुत मतलब अच्छा है, मज़ेदार है, पहले वाला क्वेश्चन भी मज़ेदार था, आपने दोनों मेथड देखे होंगे, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है, पूरा पूरा क्वेश्चन देख लें, 1 प्लस टेन 1 डिग्री, 1 प्लस टेन 2 डिग्री और डॉट डॉट 1 प्लस टेन 45 डिग्री बराबर 2 की पावर n दिया गया है, तो n की वैल्यू बतानी है कि क्या 21, 22, 23, नॉन ऑफ दीज ऐसे हो गए, पूरा पूरा सोल्यूशन आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 1 प्लस टेन 1 डिग्री, 1 प्लस टेन 2 डिग्री और 1 प्लस टेन 45 डिग्री बराबर 2 की पावर n, यहाँ पर जो पावर दी गई है उसी n को निकालना है, वो n क्या 21, 22, 23 या नन ऑफ दीज, n की वैल्यू क्या होगी सोल्यूशन तय करेगा। सोल्यूशन में कुछ पार्ट हमने यहाँ पे कंसीडर किया गया है, एक बेसिक सा फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का आपको पता होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, पढ़ देते हैं, आप भी जब भी फॉर्मूले आया करें आप हमेशा उस फॉर्मूले को लर्न किया करो, हमेशा ऑलवेज, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने थोड़ा सा इसको इस स्टेप को इधर ले गए, ये बात ध्यान रखना, ये लास्ट बात बहुत, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट बन जाता है, ये शॉर्टकट दिखाएंगे कैसे बनता है, मतलब इसको ट्रिक्स की वेस में यूज कर सकते हैं इसको एज ए ट्रिक शॉर्टकट, केवल आपके लिए बिगनिंग के लिए हमने इतनी बात को लेके आए हैं, अगर आप इसको कर लेंगे और महारत हासिल कर ले तो सीधे सीधे इसको शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हैं। देखो इधर टेन ए प्लस बी ले गए, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किया गया, तो टेन ए टेन बी और टेन ए प्लस बी, और ये वाला पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, गॉट इट। अब देखो ये वाला पार्ट इधर ले जाएंगे, तो कैसे लिख दिया, एक अरेंज वे में लिख दिया, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी
और टेन ए प्लस बी, देखो ये वाला यहां पे आ गया ठीक है, और ये पार्ट आ गया टेन ए प्लस बी, मतलब टेन ए प्लस बी को, टेन ए प्लस बी को टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी और टेन ए प्लस बी में लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे कि देखिए 1 डिग्री प्लस 44 डिग्री, ध्यान देते रहना, इसको हम लिखेंगे टेन 45, ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब a प्लस बी है तो सीधे क्या लिखेंगे, टेन 1 डिग्री प्लस टेन 44 डिग्री प्लस टेन 1 डिग्री इंटू टेन 44 डिग्री और आगे क्या जाएगा टेन 45 डिग्री। अब टेन 45 कितना होगा 1, तो सीधे इसको टेन 45 को लिख सकते हैं टेन 1 टेन 44 प्लस टेन 1 टेन 44 ठीक है। तो यहां पर देखो इतनी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन 45, अब 1 प्लस टेन 45 2 हो गया। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया, इंपॉर्टेंट टिक निकल के आई कि 1 प्लस टेन 1 डिग्री और 1 प्लस टेन 44 डिग्री को सीधे 2 लिखेंगे। अब देखना मतलब इसका इसका सम करें आप, अब 1 प्लस टेन 2 डिग्री अगर लिखा आपने तो यहां 1 प्लस टेन 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 45 बन जाए, तो 43 जोड़ दें तो ये इसकी वैल्यू भी 2 हो गई। तो ऐसे देखिए यहां पर सारे स्टेप लिखे हैं 1 प्लस टेन 1 डिग्री और 1 प्लस टेन 44 डिग्री यहां लिखा होगा, यहां 1 प्लस टेन 2 डिग्री लिखा होगा और यहां 1 प्लस टेन 43 लिखा होगा। तो ऐसे सारे स्टेप 2 2 बनते जाएंगे ठीक है। तो 45 वाला तो अलग हो गया, देखो 1 प्लस टेन 45 तो किसी के साथ पेयर नहीं किया, ये ऑटोमेटिक 2 है। अब यहां पर 1 प्लस टेन 1 डिग्री वाला किससे पेयर करेगा जाके, 1 प्लस टेन 44 वाला से, और 1 प्लस टेन 2 वाला किससे करेगा, 1 प्लस टेन 43 वाले से। तो 1 से लेके 44 तक टर्म है, कितने हैं 1 से लेके 44 तक, तो इसके आधे कितने हो गए, क्योंकि 1 से 44 तक है तो इसके आधे हो जाएंगे पेयर करने के बाद, क्योंकि दो एक साथ हो जाएंगे, दो एक साथ हो जाएंगे, ये वाला इसके साथ हो जाएगा, इसके आगे वाला इसके साथ हो जाएगा, तो 44 का आधा 22 हुआ ठीक है। तो यानी कि ये क्या बन गया 2, ये क्या बना 2, फिर दूसरा भी क्या बन जाएगा 2, तीसरा भी क्या बन जाएगा 2, तो ऐसे 22 बार बनेगा, तो 2 की पावर 22 यहां हुआ, इतनी बात क्लियर हुई। और ये 2 एक और है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 23, तो n की वैल्यू कंपेयर करिए तो क्या आ जाएगी। ये बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बात और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, या ये बात भी एक इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, सीधे सीधे अगर इस पर काम करेंगे तो आसानी से एज ए शॉर्टकट अब इसका आंसर निकाल लेंगे। सीधे अगर पहली बार जैसे टैली करें नाम, अब अगर ये सारे स्टेप हमें पता है तो देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मतलब 1 प्लस टेन 44 तक आपको पता है कि पहला और लास्ट वाला, दूसरा और सेकेंड लास्ट, तीसरा और थर्ड लास्ट। तो यहां पर देखें दो टर्म एक एक हो जा रहे हैं, मतलब दो बना रहे हैं, दो टर्म 2 वैल्यू बना रहे हैं ठीक है। तो 44 है, उसके आधे कितने हुए 22, तो 22 बार 2 मल्टीप्लाई हो तो 2 की पावर 22, और एक ऑलरेडी ये क्या दो और है तो 2 की पावर 23, तो n की वैल्यू हो गई 23। अगर रिपीट इसलिए किया कि शायद समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी इतना ही इंपॉर्टेंट होगा। 2008 में 4 क्वेश्चन आए थे, हम तीसरा क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। साइन 12 साइन 48 साइन 54, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी जरूर वैल्यूज वो यूज करते हैं जिनके हमें मानना पता हो, जैसे 12 है 48 है, अब यहां पे 30 45 90 होता तो आपको फटाफट आप कैलकुलेट कर लेते। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, कौन सा आंसर सही होगा, ये हम देखेंगे। बट सबसे पहले मैंने बोला कि हमारी क्लास में या मेरा मानना है कि हमेशा फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो इन फार्मूले पे सोल्यूशन से जाने से पहले इन फार्मूले पे नजर डाल लें। हम लोग इस फार्मूले को यूज करने वाले हैं, मगर हमने सारे फार्मूले यहाँ पे डिस्कस किए, आप फार्मूले को हमेशा एक शॉर्टकट बना के रखें, जिनको भी शॉर्टकट की डिमांड है फार्मूले पहले प्रैक्टिस करें, शॉर्टकट हम आपको बताएंगे जरूर। सोल्यूशन देखेंगे, चलिए सोल्यूशन देखते हैं, कुछ स्टेप्स हमने लिखे हैं, आगे वाले इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे इस वाले टर्म को यहाँ पे लिखा है और 2 का मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड किया, बाकी इस वाले टर्म को यहाँ बाहर रखा, यहाँ वाले इस वाले टर्म को यहाँ लिखा दिखाया कि 90 में 36 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54 आएगा, तो इसको हमने उसी रूप में लिखा है। और यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी, तो देखो यहाँ पे अभी ये फॉर्मूला बचा के रखा है, 2 साइन ए साइन बी,
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसे आपको याद होना चाहिए जैसे क्विक हमें याद है उससे भी बेहतर तरीके से। तो देखिए कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इन फॉर्मूलों को आप जरूर ध्यान दें क्योंकि इनकी वैल्यू हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इन्हीं की वैल्यू से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और ये क्या हो गया कॉस ऑफ 12 से 48 घटाएंगे माइनस 36 होगा और माइनस कॉस ऑफ देखो 12 48 60 होगा, इतना आप कर लें। और साइन 90 माइनस सीटा, भाई साइन 90 माइनस सीटा कॉस सीटा आपको याद होगा कॉस 36। देखो कॉस ऑफ माइनस सीटा क्या होता है कॉस सीटा, और कॉस ऑफ या साइन ऑफ 90 माइनस सीटा क्या होता है कॉस सीटा। ये सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं, हर एक फॉर्मूले को लिस्टिंग करते रहें। 1/2 कॉस 36 माइनस अब कॉस 60 याद होगा आपको 1/2, अब कॉस 36 देखो रूट 5 याद ध्यान दें रूट 5 प्लस 1/4, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1/2 रूट 5 प्लस 1/4 माइनस 1/2 और रूट 5 प्लस 1/4। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे यहीं पे कर दे रहे हैं तो रूट 5 प्लस 1 और यहाँ जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस का। तो बेसिकली ये अगर आप ध्यान दें तो रूट 5 माइनस 1 आ गया, कितना आ गया रूट 5 माइनस 1 और ये रूट 5 प्लस 1, तो रूट 5 माइनस 1 और रूट 5 प्लस 1 तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो आके आ गया 1/2 और रूट 5 माइनस 1/4 और इधर आया रूट 5 प्लस 1/4 था तो 1/2 और ये आया a माइनस बी ए प्लस बी तो 5 माइनस 1/4 इंटू 4 तो ये से कटा तो 1/8 कहाँ है 1/8, अब 1/8 तो कहीं दिख नहीं रहा है बट आप ध्यान दें कि साइन 30 तो थोड़ा सा उन्होंने फंसा दिया, कोई बात नहीं हम लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है और स्मार्ट बॉय हैं। 1/2 1/2 का ऐसा क्या करें साइन 30 मतलब 1/2 ऐसा क्या करें कि 1/8 बन जाए, तो आपको पता ही होगा कि कहाँ जाओगे बेटा, ये आ गया क्यूब। ठीक है, टिक्नोमेंटी 2008 में 4 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे आपको भी अच्छे लगेंगे। निम्जेड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है आप जानते हैं, एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, आप लोग फीडबैक जरूर देते रहें, आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे इसको। एक्यूरेट 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 और ट्रिक्स आप मांग रहे हैं ना, ट्रिक्स भी मिलेंगी और आप आगे बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। पहले कॉन्सेप्ट भाई, पहले हमने टॉपिक शुरू किए थे, अब पेपर पे एनालिसिस कर रहे हैं, अब पेपर का कॉन्सेप्ट तो पहले सीखें भाई, ट्रिक्स भी आएगी फिर समय है, इतना भी नहीं जल्दीबाजी है कि समय है फिर आगे करेंगे, बट अच्छी बात है कि आप डिमांड करते हैं अच्छा लगता है। चलिए नए वीडियोस के साथ आएंगे, कुछ अच्छा लेके आएंगे, कुछ आइडियाज़ अगर हों ज़रूर आप दीजिए और कुछ ना कुछ आइडियाज़ कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, आप भी करते रहिए हम लोग भी करेंगे। थैंक यू।